Today we will discuss about the separating technique. You are having the second revision test today, okay? So just give the quick review of the separating technique so all of you can attempt the test properly, right? What are the separating technique and how the questions will come from this? पहले ये समझ लो बट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस. ठीक है, प्रोसीजर विल बी गिवन एज आई एक्सप्लेन इन द बायो आल्सो. द प्रोसीजर विल बी गिवन मतलब द स्टेप्स विल बी गिवन. यू हैव टू रीअरेंज मतलब आपने रीअरेंज करना होगा, उसमें से करेक्ट बताना है विच इज नॉट द मेथड ऑफ दैट वन या विच प्रिकॉशन इज नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ द सेपरेटिंग टेक्निक्स में से मेथड डेफिनेटली गिवन होगा. ठीक है, वी कैन आस्क यू कि विच वन इज नॉट फिटेड इन दिस या विच वन इज रॉन्ग या ऑड वन आउट निकाल लो इसमें से. एनी टाइप ऑफ मतलब द प्रोसीजर यू हैव टू लर्न कि हाउ वी विल सेपरेट. लाइक इफ वी आर टॉकिंग इन अबाउट द सेपरेटिंग टेक्निक, द फर्स्ट सेपरेटिंग टेक्निक वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द इवेपोरेशन. ठीक है, वट इज इवेपोरेशन, कहाँ यूज करते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द मतलब प्रिंसिपल क्या है इवेपोरेशन का, टू रिमूव द टू सेपरेट द वॉलाटाइल सब्सटेंसेस फ्रॉम द नॉन वॉलाटाइल. पहला पॉइंट ये याद रखो, टू सेपरेट द वोलाटाइल सब्सटेंसेस फ्रॉम द नॉन वोलाटाइल. वोलाटाइल इसमें कौन से हैं सब्सटेंस, सॉल्यूट के सॉल्वेंट, एंड नॉन वोलाटाइल आर सॉल्यूट. दैट मींस वी कैन सेपरेट द वोलाटाइल सब्सटेंसेस फ्रॉम द नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस. वी विल यूज द टेक्निक दैट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन. हाउ वी विल परफॉर्म द इवेपोरेशन, कैसे करेंगे इसके लिए, इंक को सेपरेट, बट इज द मेथड. बच्चे आई एम टेलिंग कि मेथड विल कम. ठीक है, प्रिंसिपल विल कम, मेथड विल कम, दीज काइंड ऑफ द क्वेश्चंस विल कम, और वी कैन चेंज द टर्म्स आल्सो. चेंज द टर्म्स आल्सो मींस यू हैव टू आइडेंटिफाई लाइक व्हाट वी आर टॉकिंग. वी विल पुट द साइनोनिम ऑफ दैट वन. साइनोनिम भी नहीं, वी विल पुट द सिमिलर वर्ड टू दैट वन. वी विल नॉट एग्जैक्टली पिक द वर्ड दैट इज गिवन इन योर बुक. ठीक है, अब जैसे इवेपोरेशन है, बट वी विल डू, वी विल टेक अ बीकर, फिल इट विद द हाफ बीकर विद द वॉटर, पुट अ वॉच ग्लास ऑन इट. ठीक है, वॉच ग्लास ऊपर रखनी है, एक बार सुन लो सो दैट वो पूरे रिवाइज हो जाएंगे. पुट अ वॉच ग्लास ऑन इट. ठीक है, माउथ ऑफ द बीकर, देन एड द, फिर हमने क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द इंक ऑन द वॉच ग्लास, देन हीट द बीकर, देन water will evaporate and what is left behind, dye, ink will be left behind. Or what we can say, we can obtain the dye from the blue black ink. Dye from a blue black ink is separated by the evaporation method. And other the principle, that is the volatile substances from the non volatile. Where we are using this evaporation technique, what are the applications, dye from ink or इसमें नहीं है, ये भी इसमें नहीं है. इवेपोरेशन आई एम टॉकिंग, इवेपोरेशन वी आर टॉकिंग. हैव वी रिटन, ठीक है, वो सॉल्ट वी कैन सेपरेट फ्रॉम द वॉटर. ठीक है, सॉल्ट इन द लेगून्स व्हेन वी आर मेकिंग द सी वॉटर, दैट इज द सॉल्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वॉटर, दैट इज ऑल्सो द इवेपोरेशन. ठीक है जी, सेकेंड हमारे पास है, हाउ कैन वी सेपरेट द क्रीम फ्रॉम मिल्क. अब क्रीम वर्ड इज गिवन, नो डाउट, बट क्रीम की जगह पे आई कैन और वी कैन यूज द डिफरेंट वर्ड. व्हाट वर्ड वी कैन यूज इंस्टेड ऑफ द क्रीम. आई एम आस्किंग बट वी विल से मैम सेंट्रीफ्यूगेट. That is the method, na, centrifugation. But we can ask how we can remove the fats from this one. That is what? Cream. Fats. Okay? You have to be very careful. Ki we will not give you the direct word. Okay, ji? All of you are aware, cream is what? That is the fat. Butter and all that banta hai. So that is what? Fats. So we can ask you how we can remove the fats from the milk. Okay, we can ask you that how we can separate.
टोंड मिल्क होते हैं. वी ऑल नो दैट द टोंड मिल्क आर देयर, बट इज एक्चुअली दैट द टोंड मिल्क दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द फैट्स इन इट. ठीक है, तो क्वेश्चन कैन बी मॉडिफाइड हाउ दे आर डूइंग इट, हाउ वी आर ऑब्टेनिंग द डिफरेंट टोंड मिल्क, कैसे मिल्क मिलता है हमें, बाय विच मेथड वी कैन अप्लाई सेंट्रीफ्यूगेशन. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन इज व्हाट, फुल क्रीम मिल्क होता है, टोंड मिल्क टोंड होता है हमारे पास, डबल टोंड वेराइटीज होती है. ऑल दीज आर हैविंग व्हाट, दीज आर हैविंग द फैट्स इन इट, वी हैव टू रिमूव द फैट्स. टोंड डबल टोंड मिल्क होता है जिसमें बहुत आपने ऑब्जर्व करा होगा कि जो उसके ऊपर थिक लेयर भी जमती है दूध के ऊपर, दैट इज वेरी थिक मलाई की, दैट इज डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ लाइक यू कैन से फैट्स. ठीक है, तो हाउ वी कैन रिमूव द फैट्स बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन. व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, व्हाट इज द मेथड, स्पिनिंग रैपिडली. ठीक है, आई एम आस्क, ओके किस प्रोसेस में सर, इसमें ब्लड एंड यूरिन टेस्ट होते हैं. हम लोग जितने देखो एच बी चेक करवाने जाए या हाँ वो शेक करते हैं, एंड आफ्टर दैट दे विल कीप इट, सेडिमेंटेशन बहुत सारी चीजें होती है, एंड आफ्टर दैट दे सेंट्रीफ्यूगेट. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं, फ्रॉम दैट वन वी विल सी कि कितने आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज हैं. ठीक है, काउंट्स जैसे हम चेक करवाते हैं, प्लेटलेट्स एंड ऑल दैट, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. सो व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, मूविंग ऑफ द मटीरियल और द सब्सटेंस एट अ वेरी हाई स्पीड. ठीक है, वेयर वी आर यूजिंग, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन, एक्सप्लेन करेगा कोई मिल्क का एग्जाम्पल लेके, स्टेप्स. Take some milk in a test tube, then putting it in the centrifugation machine. If the centrifugation machine is not available, how you will do it at your home? Blender, churning we can say. Churning, centrifugation, one of the same thing. We can do the blender. हम चर्न करते हैं उसको, रोटेट करते हैं, एंड वी कैन सेपरेट. आई एम सेइंग स्टेप्स विल बी देयर. बेबी इस टाइम नॉट सब्जेक्टिव एग्जाम्स आर नॉट देयर, वी विल प्रोवाइड यू द मेथड, यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज द राइट और रॉन्ग. Then milk dairies में देखो तो they are also doing it with the centrifugation machine or the churning, by doing it with the churning. What are the applications of the centrifugation milk? Centrifugation या applications क्या है? Uses of centrifugation. Use in labs for blood and urine test or separating fats from using in washing machines. To squeeze the water from, ठीक है, what is the principle? Denser particles are forced to the settle down and the lighter particles stay at the top when they spin or spun rapidly. ठीक है जी, this is the centrifugation. Other method is the separating funnel. How we can separate and what is like which material we can separate with the separating funnel. Separating funnel is used to separate the immiscible liquid. Ab immiscible liquid, water and oil, one of the example that is given in your book. What are the other similar words regarding this? Water and petrol, okay. कोई भी, हाँ मैं वही वर्ड यूज कर रही हूँ ना, वी कैन गिव द डिफरेंट टर्म्स, दिस इज द बट आई एम सेइंग कि वी विल गिव यू द डिफरेंट टर्म्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच इज मतलब बट वी आर यूजिंग इन दिस. यस दीक्षा, अनम्यूट योर सेल्फ, बट दैट यू आर नॉट एबल टू डू इट नहीं होता ना, बट हाउ यू विल कम टू नो स्टिल आपको अभी, क्योंकि डेंसिटी एवरीवन डॉट नो ना. हां जी, तो दीक्षा मैम आई वांट आस्क
जो पेंट होता है उसमें वाटर मिक्स तो नहीं होता ना? जो पेंट होता है उसमें क्या पेंट वाटर तो नहीं मिक्स होता ना? में, वो बहुत मैन्यूट होते हैं, डिफरेंट है। तो हाँ, पेंट का ले सकते हो, कैस्टर ऑयल ले सकते हो, कैस्टर ऑयल और पेट्रोल ले सकते हो, तो दीज आर द टू ऑयल्स। बट हाउ वी विल, मैम, हाँ कैस्टर ऑयल और पेट्रोल दोनों ही नहीं मिक्स होते? दोनों लिक्विड, दोनों ऑयल फॉर्म में आ गए, बट दोनों की डेंसिटी में आपने फर्क देखा है ना, पेट्रोल इज वेरी लाइटर एज कम्पेयर टू दैट वन। ठीक यस, है, ओके मैम, ये आपको ध्यान में फाइन। रखना है। ठीक है, सब्लिमेशन, सॉरी सेपरेटिंग फनल। हाँ, आ रही हूँ। सेपरेटिंग फनल में वी कैन यूज द इमिसिबल लिक्विड, बट आर द इमिसिबल लिक्विड दैट विल नॉट मिक्सेस वन विद वन अनदर। ठीक है, अब उनमें क्या है कि दे विल फॉर्म द सेपरेट लेयर एंड वी हैव टू रिमूव द हैवियर वन विल सेटल डाउन एंड लाइटर वन विल ऑन द टॉप। ठीक है जी, नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी क्या है? और आयरन एंड ओर में भी पता है क्या होता है, आयरन का एक, जब आयरन को सेपरेट करते हैं ना, आयरन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ द कंपाउंड Fe3O4 Fe2, ये हेमेटाइट की फॉर्म में मिलता है। व्हेन वी आर हीटिंग इट तो उसमें हैवियर पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, स्लैग होता है, वी विल रिमूव। फर्नेस मीन्स एक उसी की एक्सट्रैक्शन, आयरन ऑक्साइड क्लियर के साथ होता है ना, ऑक्साइड Fe3O4। ठीक है, हम उसकी सेपरेशन करते हैं, तो हैवियर वन विल सेटल डाउन एंड द लाइटर वन विल रिमेन अबव। ठीक है, जब आप अर्थ क्रस्ट में से सब्सटेंसेस लेते हो, दे एग्जिस्ट इन द कंपाउंड फॉर्म। कंपाउंड फॉर्म मींस दे एग्जिस्ट टुगेदर एंड वी हैव टू सेपरेट इट आउट। ठीक है, आयरन फ्रॉम द आयरन ओर। फिर और क्या है? अच्छा, आयरन ओर और आयरन, जो आयरन की एक्सट्रैक्शन है, आपकी बुक में वर्ड गिवन है, तो आपको ये लर्न रखना है कि लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड। स्लैग जो होता है, लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड। आयरन नीचे बैठ जाता है, स्लैग ऊपर एक लाइटर लेयर रह जाती है, दैट इज रिमूव। ठीक है, देन उसके बाद है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में नंबर ऑफ द पॉइंट्स आर देयर, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, इफ आई एम सेइंग सोडियम क्लोराइड। अच्छा, पहले सब्लाइम मटेरियल बताओ जो आपको करवाए, ये भूलना नहीं है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, प्लीज नोट कर लेना। कैम्फर सबलाइम हो गया, और नेफ्थलीन बॉल्स हो गई, ओडोनिल हो गया, और हाँ ठीक है, एक इसमें आप ये लेके चलो अमोनियम क्लोराइड। वो रहने दे अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ द अमोनियम क्लोराइड? कैसे वी हैड डन दिस एक्टिविटी, देन व्हाट वी विल डू इन दिस केस, क्या प्रोसीजर है इसका? इफ वी आर हैविंग द सॉल्ट, सो अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड, एनीथिंग विल बी देयर, कोई भी तीन चीजें हैं, तो हाउ वी विल डू, वी विल टेक अ चाइना डिश, इन दिस वी विल पुट द मिक्सचर ऑफ ऑल एंड देन सेपरेटिंग फनल ऑन इट, इन्वर्टेड सेपरेटिंग फनल ऑन इट। ठीक है, देन बेटा जी, आई एम सेइंग हाउ वी विल रिमूव, यहां पे नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस केस, जब आप हीट करते हो क्या जाएगा ऊपर, इसको छोटा करते हैं, यहां मैंने कैम्फर नहीं लिया, आई एम टेकिंग अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, क्या अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम हो जाएगा, तो व्हाट इट विल फॉर्म, सॉलिडिफाइड नियर टू द टिप, वहां पे व्हाइट कलर के आपको नजर आएंगे, दैट इज द अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, नीचे सॉल्ट और सैंड रह जाएगा, फिर सॉल्ट एंड सैंड को हाउ वी कैन सेपरेट इट आउट, दैट इज द फर्दर मेथड, कि सॉल्ट एंड सैंड मिक्स करेंगे, सैंड विल सेटल डाउन, सेडिमेंटेशन, इफ द थ्री थिंग्स विल बी गिवन। ठीक है ना, इफ द थ्री थिंग्स, यू कैन आस्क यू द टू मेथड्स बट वी आर यूजिंग, तो पहले हम कर रहे हैं सब्लिमेशन, देन
sedimentation or the filtration. Okay, so we can do like this. So different salt, sodium chloride, that is NaCl, and ammonium chloride, that is NH4Cl, ammonium chloride. ठीक है, both are white in color. ठीक है, जो salt है, जो common salt, नमक that you are using at home, that is soluble in water, that will not sublime, but ammonium chloride can sublime easily. Ammonium chloride can sublime easily. हाँ जी करण, unmute yourself. मैम 2.3 विल कम और नॉट, क्योंकि आपने बोला था 2.3 नहीं आनी. पेटर प्लीज नोट इट डाउन, टेम्पर नेफ्थलीन अमोनियम क्लोराइड एंड द अदर वन एंथ्रासीन इन एमसीक्यू वी कैन आस्क, द वर्ड इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, सो नोट इट डाउन. दैट इज तो वो वोलेटाइल सब्सटेंस है ना, दे विल सब इमीडिएटली इवेपोरेट, रिमूव हो जाते हैं, एसीटोन्स होते हैं. एंथ्रासीन है, दैट इज द लिक्विड दैट इज कन्वर्टिंग इनटू द गैसियस स्टेट, वो एक ही स्टेट में जा रहा है अगली में. इट इज कन्वर्टिंग, इट इज लीविंग वन स्टेट एंड देन मूव टू द थर्ड स्टेट, सॉलिड टू गैस और गैसियस टू अगेन. दैट इज द वन स्टेज इज मिसिंग इन दिस केस. नहीं ठीक है, एंथ्रासीन इज ऑल्सो देयर, सो प्लीज नोट इट डाउन. ठीक है, दीज आर द सब्लिमेशन सब्सटेंसेस, सब्लाइम पार्टिकल्स. ठीक है, दे विल सब्लाइम, दे विल शो द सब्लिमेशन प्रोसेस. ठीक है, टू रिमूव द वोलाटाइल और द नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस. नेक्स्ट इज हाउ वी कैन रिमूव या हाउ वी कैन, इज द डाई इन अ ब्लू ब्लैक इंक इज अ सिंगल कलर, हाउ वी कैन, व्हिच इज द मेथड, क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी इज व्हाट, बोलो है? क्रोमेटोग्राफी, द वर्ड कम्स फ्रॉम क्रोमा, मीन्स क्रोमा मीन्स कलर. टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज सेपरेशन ऑफ कलर, सो दिस नेम वॉज गिवन बाय द क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि कलर सबसे पहले इसी से सेपरेट किए गए. क्रोमो हम वर्ड कलर्स के लिए यूज करते हैं, so that's why it is called the chromatography. ठीक है, is a technique used for separation of the solute that dissolve in the solvent. Application colors in the dye, drugs from the blood, easily pigments from the natural color, it will provide the different color. Colors will be different na. Different drugs are having the different chemicals, and different chemicals will show the different colors. So they will separate it out with the help of chromatography. Vary color will vary, na? Okay. How can we separate a mixture of miscible liquids? Distillation. Distillation. Mein what we are using? Example. Water and. Kaun se? एग्जाम्पल दो. वॉटर एंड एल्कोहल. एल्कोहल कैन बी सेपरेटेड. ठीक है, बिकॉज इट इज हैविंग द लो बॉइलिंग पॉइंट, इट विल इमीडिएटली इवेपोरेट एंड वी कैन कलेक्ट इट आफ्टर द कंडेंसेशन. ठीक है, एसीटोन की जगह पे वी कैन गिव यू द अनदर एग्जाम्पल. तो वॉटर होगा तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई. आपको सारे एसीटोन वाली चीजें पता है कि जो इमीडिएटली जिनका बॉइलिंग टेम्परेचर जो है कम है, स्पिरिट हो गया, एसीटोन है, वी कैन यूज द वर्ड डिफरेंट. ठीक है जी, इज इट क्लियर बेटे? क्लियर. देन और उसके बाद टू मिसिबल लिक्विड विच आर हैविंग द लेस टेम्परेचर, लेस डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, विच मेथड वी विल यूज. टेम्परेचर कितना कम हुआ दोनों में, when the difference between the two substances, the difference between the boiling point is 25 kelvin, less than 25, that means immediately they will evaporate. At that time we will use the fractional distillation. theek hai ji. then air ke composition, air ke jitne bhi wo hai, oxygen 183 186 196. theek hai, oan, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन. ऑक्सीजन इज -183, आर्गन इज 186 एंड नाइट्रोजन इज -196.
6 और दोनों का वॉल्यूम कितना है सबका 20.9 0.9 एंड 78.1 ठीक है दिस इज द मेथड टू सेपरेट द एयर होमोजेनियस मिक्सचर है एंड वी विल यूज इट बाय दिस सेम वैसे ही क्वेश्चंस लंबे होंगे ठीक है फिर उसके बाद है वाटर सेपरेशन ठीक है एयर सेपरेशन में यू ऑलरेडी डिड लाइक कंपोनेंट्स ऑफ एयर को हम कैसे कैसे सेपरेट करते हैं वी कैन आस्क यू द सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स पहले हमारे पास क्या है एयर अंडर प्रेशर देन सेकंड कंडेंसर यू कैन से द कंडेंसर देन थर्ड सेपरेटर फोर्थ सेपरेटर में कार्बन डाइऑक्साइड हो गई देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में सेपरेट होके वो अलग चला जाता है अच्छा ओके एक्सपेंशन जेट ठीक है जी देन कॉपर सल्फेट बाय वी आर यूजिंग द अच्छा मैं एक बार मेथड रिपीट कर रही हूँ वी विल टेक अ कॉपर सल्फेट पाउडर्ड फॉर्म में सुन ले वी विल टेक अ पाउडर्ड कॉपर सल्फेट मिक्सेस इन द वॉटर ठीक है डिजोल्व इट प्रॉपरली इफ इट इज अनडिजोल्व देन वी विल हीट इट टू रिमूव प्रॉपरली डिजोल्व इट देन एड अ फ्यू ड्रॉप्स वन और टू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू रिमूव द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन दैट देन वी विल फिल्टर इट आफ्टर फिल्ट्रेशन वी विल टेक इट इन अ चाइना डिश में लेने के बाद देन वी विल हीट इट आफ्टर हीटिंग वी विल सी दैट व्हेन द थिक लेयर इज फॉर्मिंग देन वी विल स्विच ऑफ द बर्नर then put the china dish on the brim of the like we will fill the beaker with the brim and put it over there for cool okay for cooling purpose after that again filtration is done and we will get the pure crystal from the impure crystal okay but ye yaad rakhna H2SO4 concentrated H2SO4 is added baki aap kar lete ho concentrated because the strong lete hain diluted form mein nahi lete एक्चुअली में H2SO4 का जो मेन एक काम होता है ना वी यूज टू से द कंसेंट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन्स कि अगर पानी या कोई ऐसी चीजें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है ना ये उसको रिमूव कर दे ठीक है देन वी आर हैविंग कौन सा कह रहे तू एक्टिविटी Why? 25 हाँ ओके ओके नेक्स्ट इज लाइक डिवाइड अ क्लास इनटू टू ग्रुप 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग बच्चे अगेन आई एम रिपीटिंग देन आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश दिस इज द मिक्सचर आयरन प्लस सल्फर पाउडर दिस इज द मिक्सचर वी कैन सेपरेटेड आउट बाय मैग्नेटिक सेपरेशन मैग्नेट यूज करके वी कैन सेपरेट इट इज अ मिक्सचर When we will mix it and heat it, then it will form a compound. Otherwise, when you are putting the iron and the sulfur powder, then it is called a mixture. We can separate the mixture by the physical method. This is the first step, na? But when we will heat the iron with the sulfur, they chemically combine and they form a compound. Then we are not able to separate the iron with the help of magnet. ठीक है मिक्स द आयरन फिलिंग एंड सल्फर सेकंड में क्रश द आयरन फिलिंग हीट द मिक्सचर वो कंपाउंड बन गया पहले मिक्सचर था मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मेथड कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मेथड ठीक है ये याद रखना देन चेक फॉर द मैग्नीशियम इन द नेचुरल वे ब्रिंग द मैग्नेट नियर द मटीरियल चेक द मटीरियल इज अट्रैक्टेड ये तो डिफरेंट एक्टिविटी है इज इट क्लियर यह स्थिति